फिर दूर से वासुदेवपुर में जैसे उर्स हो रहा था, दूर दूर से लोग आ गए, वहां दर्श होता था तो दूर दूर से लोग आ गए। जब दूर दूर से लोग आ गए तो उनके रहने के लिए हॉस्टल बनाना पड़ा, तो इस तरह एक मस्जिद मदरसा बन गया और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मदरसा जामे अजहर है। अल अजहर यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री यही है जहां हुजूर ताजुद शरीयत पढ़ के आए। काश अपने यहां भी लोग कुरान शरीफ लेके बैठते, काश अपने यहां भी लोग कुरान शरीफ लेके बैठते, कुछ तो समझते कि ये आय चल रही है। कभी ये तौफीक नहीं होती, ये करना है कल से हम लोगों को इंशाअल्लाह। हजरत अली सलूनी قبل ان تفقدونی, तुम में से कोई पूछना चाहते हो? कोई नहीं खड़ा हो। एक बार, दो बार, तीन बार, एक साहब बोले हजरत हजरत हजरत, बोले हाँ बोलिए। कयामत की निशानियां बताएं। हजरत अली ने उसी वक्त 33 निशानियां बताई, 33 निशानियां बताई, वही 33 निशानियां मैं बताने जा रहा हूं। नंबर एक, हजरत अली फरमाते हैं, याद रखिएगा, नंबर एक, जब लोगों की नमाजें फौत होने लगे समझ जाओ कयामत करीब। 5000 लोग वासुदेवपुर में फजर जोहर असर मगरिब ईशा में 50 तो कसरत से नमाजें फौत होने लगी, ये है कयामत की निशानी। बस हर शख्स अपने अपने गरीबान, मैं भी हैं, आप ही नहीं, मैं भी अपने अपने गरीबान में झांक के देखे कि ये जो 33 है इसमें से हमारे अंदर कोई है तो कयामत हम ही ला रहे हैं, और कोई नहीं ला रहा, मोदी योगी नहीं ला रहा ना, हम ला रहे हैं, हम ला, हम सब में हर शख्स, मर्द औरत, भाई बहन, बूढ़े बच्चे, सब झांक के देखे अपने गरीबान में। नंबर एक, जब लोगों की नमाजें फौत होने लगे। नंबर दो, रोजे से गफलत होने लगे। हट्टा कट्टा नौजवान है, रोजा नहीं रखा तुमने, हजरत शुगर की बीमारी, हजरत काम नहीं कर पाता हूं, कमजोर हो जाता हूं, ये बहाना अल्लामा साबिर के सामने तो चल जाए, अल्लाह के यहां नहीं चल पाए, क्योंकि वो अल्लाह दिलों का हाल जानता है, दिलों का हाल जानता है। नंबर तीन, लोग झूठ को जायज समझने लगे। एक झूठ बोलना, एक जायज समझना, मसलन ये डायरी खरीदी मैंने 50 रुपये में, बेचना है इसको 100 रुपये में, एक कस्टमर आया, अजहरी साहब ये डायरी दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है, कितने में देंगे? मैंने कहा 100 रुपये। उसने कहा 75 में दे दे। मैंने कहा ना ना, 75 की खरीदी भी नहीं, ये झूठ, क्योंकि 50 की खरीदी ना, उसको ये कहते कि नहीं बेचूंगा मैं, चल जाता, ये झूठ नहीं था, उसका माल है, बेचे या नहीं बेचे, नहीं बेचूंगा ये चल जाता, मगर 75 की खरीदी भी नहीं है, ये झूठ। और हमने कहा ये झूठ क्यों बोला? बोले धंधे में चलता है, ये चलता है ही जायज समझना है, चलता है को जायज समझना है हजरत, क्या इशारा? और जो हराम को जायज समझ ले वो मोमिन नहीं रह जाता। तहरीम हलाल भी कुफ्र है और तहलील हराम भी कुफ्र है, चलता है जहां कहा उसने जायज समझा, लिहाजा कयामत वही ला रहा है। नंबर चार, खुला सूद खाने लगे। खुला सूद का, खुला सूद का मतलब ये 1 लाख रुपया दे रहा हूं, 5 रुपये सैकड़ा, 100 पे 5 रुपया लूंगा, और सुन तेरा भरोसा नहीं है, रजिस्ट्री कर जमीन की, तेरे रजिस्ट्री भी करवा लेंगे अपने नाम से, दे पाया तो ठीक, नहीं तो जमीन ऑटोमेटिक उसके पास चली जाएगी, और जाके आप क्लेम भी नहीं कर सकते। किसको क्लेम करेंगे? सुप्रीम कोर्ट का नियम ही है कि उसी की जमीन हो गई, किसको क्लेम करेंगे आप? अगर ये नौबत आ जाए वासुदेवपुर में, समझ जाए कयामत करीब। नंबर पांच, रिश्वत आम तौर से लेने लगे लोग। मोहम्मद जाबिर, और एक जगह लिखा MD जाबिर, नाम मैच नहीं कर रहा, ला 10 लाख रुपया ला, 5000 रुपया ला टेबल के नीचे से, यही कयामत करीब, बाज़ाब्ता आम तौर से लेने लग जाए। नंबर छह, इमारतें ऊंची ऊंची बनाई जाने लगे। तेरे तूने 2 मंजिला बनाया, 2.5 मंजिल बनाया, 3 मंजिल बनाई, तूने अपाची ली, मैंने बुलेट ली, मैं बुलेट लू, तूने अल्टो ली, मैं फॉर्चूनर लू, ये है इमारत, कंपटीशन, दुनिया में कंपटीशन। काश वो ये सोचता कि तू 1 रकात पढ़ता, तू 2 रकात पढ़ता है, मैं 4 रकात पढ़ूंगा,
तू पांच वक्त की नमाज पढ़ता, मैं तहज्जुद भी पढ़ूंगा। तू मदरसे में 1000 देता है, मैं 1,00,000 दूंगा। तू गरीब को रोजाना 100 रुपया देता है, मैं रोजाना 1,000 दूंगा। तू एक यतीम की किफालत करता है, मैं बासदेवपुर के चारों तरफ 10 यतीम की किफालत करूंगा। तू एक बेवा को खर्चा देता है, मैं 10 बेवा को खर्चा दूंगा। तूने आलिम साहब को 100 रुपया दिया जुमे की नमाज में मुसाफे में, मैं 1,000 दूंगा मुसाफे में। दीनी मामलात में कंपटीशन करता, जितनी कंपटीशन में आगे बढ़ता दौरे सहाबा पलट करके आ जाता। दुनिया में जितना ज्यादा कंपटीशन करेगा कयामत उतनी ही जल्दी करीब आते चली जाए। खयामत नहीं ज्यादा करीब आती थी। दीनी काम में कंपटीशन करे, दीनी काम। हजरत अबू बकर सिद्दीक जब अमीर बन गए, खलीफा बन गए, तो एक औरत के यहाँ झाड़ू लगाने जाते, डेली झाड़ू लगाने जाते थे, डेली डेली। एक दिन के तो झाड़ू लगा हुआ, मटके में पानी भी भरा हुआ। या अल्लाह, ये कौन आ गया यार, कौन आ गया, कौन आ गया। दूसरे दिन फिर, बल्कि हजरत उमर झाड़ू लगाते थे और मटके में पानी भरते थे। एक दिन गए तो देखे झाड़ू लगा हुआ, पानी भी भरा हुआ। दूसरे दिन जल्दी जाके देखे तो फिर देखे झाड़ू लगा हुआ उस माजूर बुढ़िया के घर पे। तीसरे दिन पहले ही सबसे पहले जाके देखे झांकी मार, झांकी मारना कहते ना, कोने से छुप के देखना कौन आ रहा, कौन आ रहा। देखा तो अबू बकर झाड़ू लगा रहा, अबू बकर झाड़ू लगा रहा। दीनी मामलात में कंपटीशन कहते हैं, दीनी मामलात में कंपटीशन। ना ही मैं करूं, ना ये काम मैं करूं। दीनी मामलात में पहल करते थे औलिया इकराम, पहल करते, औलिया इकराम पहल करते। नंबर 7, नफ्स की ख्वाहिशों की पैरवी होने लगे। नफ्स ने कहा बिरयानी, हाँ ठीक, आज चिकन खाने का मन कर रहा, ठीक चिकन, आज चलते जरा भुवनेश्वर घूम करके आते, चल बच्चे की अम्मी तुमको भी ले चलता हूँ, चल बच्चों को भी ले लिया, बीवी को भी ले लिया, भुवनेश्वर घूम के आ। नफ्स की ख्वाहिश की तकमील, जायज होना अपनी जगह, कयामत का करीब होना अपनी जगह। नफ्स की ख्वाहिश, लफ्ज देखे, नफ्स ने जो जो कहा उसने किया, मगर यहीं पर एक ऐसा आदमी है उससे नफ्स ने यह कहा कि ठंडी बहुत लग रही है, जरा बीवी से गर्म पानी करवा लो, ठंडी बहुत लग रही है, नमाज पढ़ने के लिए वुजू करने के लिए गर्म पानी करवा लो। तो वो बंदा कहता है अपने नफ्स से, तू बोल रहा ना ठंडी में गर्म पानी से वुजू करने के लिए, तू बोल रहा ना, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, ठंडा ही पानी से वुजू करूंगा, मगर तेरी बात नहीं मानूंगा, नफ्स की मुखालफत करूंगा। और ऐसे ही बंदे का नाम है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह अन्हु, जिंदाबाद। नफ्स की मुखालफत करते थे, नहीं गर्म पानी से नहीं वुजू की, बोले नफ्स तू बोल रहा ना, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। और आगे चले, नंबर 8, दीन के जरिए दुनिया खरीदी जाने लगी। कुरान शरीफ पढ़ाया, मदरसे में पढ़ाया, या नमाज पढ़ाया, या तकरीर किया, और नीयत सिर्फ यह है कि बस पैसे कमाऊं, पैसे कमाऊं, पब्लिक चाहे मरे कटे, जलसा खराब हो बर्बाद हो, उससे कोई लेना देना नहीं, मैं सिर्फ नजराना लूं। अगर ये नियत की तो वो मुकर्रर की वजह से कयामत आ रही है, उस शायर की वजह से कयामत आ रही है। वहीं अगर ये नियत कर ले कि मेरी तकरीर के जरिए ये बता दूं लोगों को, वजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना, अब ये नियत कर ली तो एक तरफ नजराना जायज हुआ, दूसरी तरफ जिन लोगों ने इस मसले पे अमल किया कयामत तक उसके जरिए उसे भी सवाब मिलता रहेगा। कयामत की निशानियां, नंबर 10, नंबर 9, इंसान का खून अर्जा हो जाए, जैसे दिल्ली में अभी हुआ, खून सस्ता हो जाए, मटर बात बात, पैसों की खातिर, दुश्मन सीट की खातिर, कुर्सी की खातिर, तू उसकी पार्टी छोड़ मेरी पार्टी में आ वरना किडनैप कर लूंगा तुझको, माजल्लाह रब्बिल आलमीन। आपका वार्ड अध्यक्ष, आपके मोहल्ले का नेता, कांग्रेस हो या बीजेपी हो या एमआईएम हो, कोई भी पार्टी हो, इंसानियत पहले है, ह्यूमन पहले है। अरे भाई पहले तू इंसान है, इंसान, इंसान वाला काम कर, इंसान वाला, पार्टी बाद में, इंसान पहले है। अगर इंसानियत वाला काम की, इलेक्शन में हार भी गया, रब के यहां तू जिंदा कहलाएगा, जीता हुआ कहलाएगा, रब के यहां जीता हुआ कहलाएगा।
बासदेवपुर में हार गया ना, इलेक्शन में हारने देना, रब के यहाँ जीत गया, ये क्या कम है। इंसान वाला काम पहले चाहिए वार्ड अध्यक्ष को करे। मैंने देखा है हमारे खंडवा में कुछ ऐसे नेता है, माशाल्लाह रब्बिल आलमीन, सीए की मुखालफत पूरे लोग कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सब, मगर कुछ मुस्लिम नेता बीजेपी की सीट के चक्कर में उसकी मुताबकत और हिमायत में जाके झंडा लहरा रहा है, माशाल्लाह रब्बिल आलमीन। आप नजर उठा के देखे जितने बीजेपी के नेता मोमिन होंगे, ईमान से खाली होंगे, मेरा एक्सपीरियंस, आप गौर से जाके देखे उसके घर का क्या हाल, उसके ईमान से पूछे कि हबीबे मिल्लत और मुजाहिदे मिल्लत का क्या माना है। ये सब सेकंड प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी उसके सामने कुर्सी है, सीट है, पोस्ट, माशाल्लाह रब्बिल आलमीन। नंबर 11, नंबर 10, खूनी रिश्ते टूटने लगे। बासदेवपुर में है और गया कमाने के लिए दिल्ली मुंबई, फ्रेंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोस्त घंटों बात कर रहा, माँ का फोन आ रहा, बेटा अम्मी बिजी हूँ अभी, बहन का फोन आ रहा, बाद में फोन करना बहन अभी जरा मसरूफ हूँ मैं, और घंटों दोस्तों के साथ में बात कर रहा। वो बहन जिसके साथ में बचपन में खेलता था भुला दिया उसे, वो माँ जब वो चट्टी में सूसु करता था तो वो माँ बदलती थी गोद में, पूरे कपड़े माँ के खराब हो जाती थे, मगर वो माँ बच्चे का कपड़ा बदलवाती थी, उस माँ को भूल गया, उसको बोल ला के बाद में फोन करना माँ अभी बिजी हूँ, और काहे में बिजी है, दूसरों के साथ। इसी को कहते खूनी रिश्ते टूटने लगे, समझ जाए कयामत करीब है। नंबर 11, हलीम बर्दाश्त करने वाले नेक लोग ज़ईफ समझे जाने लगे। आप रास्ते में जा रहे थे, घंटी दिया या सीटी दिया मोटरसाइकिल की, सामने वाला हटा नहीं, उसे एक झापड़ जाके दिया, चुपचाप वो बेचारा झापर खा के रोते हुए किनारे, आपने समझा देखा मेरी चलती है ना, आप ये समझ रहे। हालांकि वो इसलिए बर्दाश्त कर रहा है, वो बर्दाश्त कर रहा है। आप अपना स्मार्टनेस और कॉन्फिडेंस हिम्मत जुर्रत ताकत दिखा रहे, उसको कमजोर समझ रहे जो बर्दाश्त कर रहा, हालांकि वो इसलिए बर्दाश्त कर रहा है कि नबी को जब लोगों ने गाली दिया तो जवाब दुआ से दी, लोगों ने पत्थर मारा तो आपने फूल बरसाया, नबी ने गाली का जवाब गाली से नहीं, थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से नहीं दिया। यही वजह है कि एक नबी ने हजारों लोगों को कलमा से मुशर्रफ कर दिया, वो इसलिए ऐसा कर रहा है कि नबी की मुर्दा सुन्नत जिंदा करे, फिर कोई मुजाहिद मिल्लत पैदा हो जाए, और आप उसे कमजोर समझ रहे हैं और वो सुन्नत को जिंदा करके शहीद का दर्जा ले रहा है। सुभानअल्लाह, नंबर 12, जुल्म करने वाले लोग खुशी महसूस करने लगे। नंबर 13, हुक्मरान फासिको फाजिर बनने लगे। नंबर 14, खाइन और बददयानत लोग वजीर बन जाए। नंबर 15, सोसाइटी के जालिम लोग नाजी में आला बन जाए। नंबर 16, आलिम दीन अपने अमल में फासिक बन जाए। नंबर 17, नाइंसाफी गालिब हो जाए। नंबर 18, खानदानों में कसरत से तलाके होने लगे। तूने मेरी बात नहीं मानी, तलाक तलाक तीन तलाक, ये दो नहीं सीधा तीन, अच्छा एक देता तो भी काम चल जाता है। मैं तलाक का मसला आप लोग को बता दूं, शायद बीते साल बताया था, मैं नहीं बता, बस इतना जान लें कि एक तलाक से भी बीवी हराम हो जाती है और तलाक देना नहीं चाहिए, ये इमरजेंसी केसेस हैं, आपके बच्चे हैं, आपके साथ वो मेहनतें मशक्कतें कर रही, वो आपका पैंट धो रही है, आपका शर्ट धो रही है, बनियान धो रही है, आप उसको तलाक दे रहे हैं, वो आप कहते हैं घर से निकल रहा हूं मैं, मेरी चप्पल लाके दो, वो चप्पल लाके जो बीवी दे रही है उसको आप तलाक दे रहे हैं, जबकि आपका चप्पल लाना फर्ज वाजिब नहीं था, आपका कपड़ा धोना फर्ज वाजिब नहीं था, वो अखलाक है उसका, कैरेक्टर है उसका, फर्ज वाजिब नहीं है, इसलिए मेरे भाई वो अखलाकन इतना कर रही कि आपके कपड़े धो रही है, जूते चप्पल सीधे कर रही, आप उसको तलाक दे रहे हैं। और इमरजेंसी केसेस में बीवी अगर जानिया है, दूसरे के साथ कनेक्शन हो गया है, तो एक दे ना, एक से भी काम चल जाता है, बीवी हराम हो गई आप अलग निकाह करें उसकी मर्जी, हो जाने एक ही दे, एक से ज्यादा नहीं, लेकिन कब, अल्लाह की नाफरमानी करे तब, अपनी नाफरमानी पर मत दिया करे, ये बताना चाह रहा। नंबर 18 हो गए। नंबर 19, और कसरत से हार्ट अटैक होने लगे,
समझ जाए कयामत करीब है। नंबर 20, एक दूसरे पर झूठी तोहमतें लगाना लोगों की आदत बन जाए। किसी मर्द ने किसी औरत से बात की, जरूर कोई चक्कर होगा, जब ही तो बात कर रही, ये झूठ, ये तो झूठी तोहमत, कुछ जरूरत भी हो सकती है, कुछ मजबूरी हो सकती है, बगैर तहकीक किसी पर इल्जाम लगाना ये भी कयामत की निशानी है। नंबर 21, कुरान बड़े बड़े सुनहरे हरफों में छापे जाने लगे। नंबर 22, मस्जिद की तजीन और आराइश होने लगे। कुरान के हवाले से एक बात बता दूं, हमारे यहाँ किसी का इंतकाल होता तो एक पेटी 30 पारे बराए इसाले सवाब मरहूम फुला साहब, पेटी पर पेटी 10-15-20 पेटियां मस्जिद में जमा हो जाती है। 40-50 साल के बाद इमाम साहब से मुतवल्ली मसला पूछता है, हजरत 50 पेटियां है, दफन कर दूं? इमाम साहब बोलते हैं हाँ दफन कर दो। जब जरूरत मस्जिद में काहे की जरूरत थी, वो नहीं दिया, पेटी दिया, कुरान शरीफ दिया। अच्छा, जब आपने कुरान शरीफ दिया, जब दूसरे ने दिया था तो आपने पढ़ा था? दूसरे ने अपने बाप के नाम से दिया तो आपने जाके खोल के पढ़ा? नहीं पढ़ा। तो आपके बाप के नाम से जो पेटी है उसको कौन पढ़ेगा? बोएंगे गेहूं और कहेंगे अल्लाह आम दे दे। दूसरे के बाप में एक पारा जाके नहीं पढ़ा आपने, तो आपके बाप के मरने पे कौन पढ़ेगा भाई? जैसा बोएंगे कमाता दिनों तो दान। और मैं ये बता रहा हूं कि पेटी मस्जिद में कुरान शरीफ नहीं देना चाहिए, पहले देखे कुरान शरीफ है। अनवारे शरीयत जाके दे, बहारे शरीयत जाके दे, तर्जमा वाला बुखारी दे, मुस्लिम शरीफ दे, कंजुल ईमान दे, जिसकी जरूरत है वो जाके दे ताकि सवाब मिले। और आगे चले, मस्जिद की तजीन होने लगे। नंबर 23, मस्जिदों के मीनारे ऊंचे ऊंचे होने लगे, कयामत की निशानी। नंबर 24, मस्जिदों की सफे नमाजियों से भर जाए मगर मोमिन एक भी ना हो। नमाजियों से पूरी सब भरी हुई है, मोमिन एक भी नहीं है। जैसे भोपाल में चले जाए, जाके देखे पूरी सब भरी हुई है, एक भी मोमिन। नंबर 25, वादे करके लोग तोड़ने लगे। हाँ आ रहा हूं अभी 10 मिनट में, आ जाऊंगा मैं 10 मिनट में, और उसके बाद स्विच ऑफ करके बैठ गया, गया 10 मिनट गया। अगर ये नौबत आ जाए समझ जाए कयामत करीब है। नंबर 26, दिलों में फूट पड़ जाए। दिलों में फूट पड़ जाए मतलब मौलाना गुलाम जिलानी साहब कितने अच्छे आदमी, अल्लामा साहब कितने अच्छे आदमी, आप बहुत अच्छे, खुदा की कसम मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और जब वो चला गया कितना बड़ा कमीना आदमी था, बड़ा मरदूद आदमी था। ये नौबत आ जाए तो समझ जाए कयामत करीब है। मुंह देखी बात करना, आप बहुत अच्छे हैं, आप पलट गए तो बहुत बेकार। बासदेवपुर में आया, ऐसा जलसा कहीं नहीं होता है, ट्रेन पे बैठ गया, बहुत घटिया लोग थे यार वहां। समझ जाए कयामत करीब है, दिलों में फूट पड़ जाए। नंबर 27, तिजारत में हिस बढ़ जाए। नंबर 28, औरतें मर्दों जैसी बनने लगे। जींस पैंट, टी शर्ट, एक्टिवा, आईफोन या एमआई का फोन। और जब उसको समझाने के लिए गए थे कि भाई भाई बच्ची, अपनी बच्ची को मदरसे में पढ़ा लो यार, भेज दो यार मदरसे में, कुल्लियतुल बनात अभी मदरसा खुला, पढ़ने के लिए भेज दो यार। हु आर यू, तुम कौन होते हो बोलने वाले? स्टैंडर्ड लोग है, हमारा कल्चर जरा स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड। मुस्लिम फैमिली में हम नहीं रहते, गंदे लोग रहते, कपड़ा सुखाने का सलीका नहीं, नालियों से बदबू आ रही, सफाई नहीं करते, झार नहीं, प्लेनेट नहीं, पौधे नहीं, किसी चीज के ठिकाने नहीं, हम स्टैंडर्ड लोग है। काफिर कॉलोनी में रहते हैं, पढ़े लिखे कॉलोनी, और उसकी बेटी जींस पैंट टी शर्ट पहन के एक्टिवा लेके जब अपना बॉयफ्रेंड भंगी को बना के कोर्ट मैरिज कर लेती है, तब एहसास होता है कि हाय मैंने क्या किया। ये फिर याद आते हैं कि मौलाना साहब ने सही कहा था, कुछ कुरान पढ़ा लो, कुछ अनवारे शरीयत पढ़ा लो, कुछ तामीर अदब पढ़ा ले। और ये भी बता दूं, उसी घर से लड़की काफिर के साथ शादी करती है जिस घर में मौलाना की आमदोरफ्त नहीं होती है, जिसमें उलमा की दावत नहीं होती है, जिसके घर में कभी पीर साहब नहीं जाते, जिसके घर में कंजुल ईमान की तिलावत नहीं होती, उसी घर की बेटियां भंगी के साथ भग जाती है। बाप भी खुश है, बीवी भी खुश है, और गई ईमान से भी गई, बच्चे सबके सब हरामी, पता ही नहीं चल रहा, कुछ एहसास ही नहीं, स्टैंडर्ड कॉलोनी में रह रहा। अबे मर्दूद, ऐसी स्टैंडर्ड कॉलोनी जो तुम्हारे ईमान को छीन ले, लाख दर्जा बेहतर वो गरीब मुस्लिम है जिसके घर के सामने सफाई अगरचे तो नहीं है, मोहब्बत मुजाहिदे मिल सीने में मौजूद, जिंदाबाद जिंदाबाद। और आगे चले, मर्द औरतों की तरह बनने लगे, औरत मर्द की तरह बनने लगे। चाचा सबसे ज्यादा आप ही ने दिया नजराना, अल्लाह ताला आपकी उम्र को उम्र में बरकतें अता फरमाए, आमीन आमीन। मर्द औरत
मर्दों की तरह बनने लगे। मर्द भी औरत मर्द तो बनती है, ये तो बहुत ज्यादा है जींस पैंट वाली लड़की। और इसीलिए मैं कहता हूँ कभी भी शादी करना तो ये मत देखना कि BUA में है कि नहीं, MBBS है कि नहीं, जींस पैंट टी शर्ट पहनती है कि नहीं।